हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो से मैं उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स उर्दू कवायद को जो थोड़ा सा पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं, दोनों को उर्दू कवायद को आसानी से समझने में हेल्प हो सके, ठीक है। और ये उर्दू ग्रामर हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है, इसीलिए मैं ज़रूरी समझ कर सोची कि शुरू से ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो उर्दू कवायद, सबसे पहले जानिए कि कवायद का मतलब क्या होता है। कवायद का मतलब होता है, कवायद तो एक प्लूरल वर्ड है, जमा है, और कवायद का जो सिंगुलर वर्ड होता है ना, वो होता है कायदा। और कायदा का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, कायदा मतलब होता है कानून, रूल, नियम, रेगुलेशन। ये क्या है कवायद? कायदा का मतलब होता है कानून, रूल, नियम, यानी कि किसी भी भाषा को बोलने, सीखने या लिखने के लिए जो नियम और कानून होता है, उसे ही हम कायदा कहते हैं, और कायदा का ही प्लूरल वर्ड है कवायद। अब यहाँ पर उर्दू लग गया है, यानी कि उर्दू भाषा को सीखने के लिए, उर्दू भाषा को सीखने, बोलने, लिखने के लिए जो हमें कायदे कानून को सीखना पड़ता है, उसे ही हम बोलते हैं उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। ग्रामर बोलिए, कवायद बोलिए, या फिर व्याकरण बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब अगर आप हिंदी में, हिंदी भाषा को सीख रहे हैं तो हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी कवायद, इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं तो इंग्लिश व्याकरण या फिर इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश कवायद, कुछ भी बोल सकते हैं। ग्रामर, व्याकरण और कवायद तीनों का मतलब एक ही होता है, बस कवायद हो गया उर्दू वर्ड, ठीक है। आगे कुछ मैं टिप समझा देती हूँ, जिससे उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर को समझने आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए, आप जब इंग्लिश, जब आप बच्चे थे तो इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए, तो क्या सीखना स्टार्ट किए? ए, ए बी सी डी, इस तरह जेड तक आप सीखना स्टार्ट किया। तो ये ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी लेटर है, ठीक है। ए बी सी डी ये सब लेटर है। उसी तरह आप हिंदी में सीखे होंगे क ख ग, उसको बोला जाता है अक्षर। उसी तरह उर्दू में भी होता है अलिफ, उसी तरह उर्दू में भी होता है अलिफ बे ते, पूरा अलिफ बे ते से, ये जो उर्दू में अलिफ बे ते से सीखते हैं ना, इसको बोला जाता है हर्फ। यानी कि इंग्लिश में बोलिए लेटर और उर्दू में बोलिए हर्फ, बात एक ही है। आप अलिफ बे को लेटर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और अगर उर्दू में बोल रहे हैं तो हर्फ। और जिस तरह इंग्लिश के लेटर, इंग्लिश के जो लेटर होते हैं, एक से ज़्यादा लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनता है, जैसे कि एप्पल है, एप्पल में कितने लेटर है? ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल में फाइव लेटर है, फाइव लेटर को मिलाकर एक वर्ड बना है एप्पल। उसी तरह उर्दू में भी होता है, उर्दू में भी एक से ज़्यादा हर्फ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है, ठीक है। जैसे कि सेब, जैसे कि सेब है यहाँ पर, तो सेब में सीन ये बे, तीन हर्फ है, तीन हर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बना, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? वर्ड। और उर्दू में क्या बोलेंगे आप? लफ्ज़, ठीक है। और जिस तरह आप इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ड हैं? ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, फाइव वर्ड हैं, फाइव वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है। उसी तरह उर्दू में भी लफ्ज़ को मिलाकर, एक से ज़्यादा लफ्ज़ को मिलाकर एक जुमला बनता है। जुमला यानी कि सेंटेंस, सेंटेंस मतलब जुमला, जुमला उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझते हैं उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद को। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो उर्दू ग्रामर पक्का है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर को दो भागों में बांटकर पढ़ाया गया है। पहला है हिस्सा सर्फ और दूसरा है हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ में हम कवायद, हिस्सा सर्फ में देखिए, जिसमें मुफरिद अल्फाज में बहस की जाती है, हिस्सा सर्फ में हम किसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं? लफ्ज़ के बारे में, लफ्ज़ यानी कि वर्ड, वर्ड के बारे में, वर्ड क्या है, वर्ड मुतरादिफ है कि मज्जात है, कि वो वाहिद है कि जमा है, ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं? हिस्से सर्फ में, सिर्फ लफ्ज़ के बारे में हिस्से सर्फ में पढ़ते हैं। और हिस्से नहव जो है, इसके अंतर्गत हम सिर्फ जुमला के बारे में, हिस्से सर्फ के अंतर्गत हम सिर्फ वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, और हिस्से नहव में हम सिर्फ सेंटेंस, ठीक है, जुमला लिख दे रही हूँ, जुमला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
हिस्से सर्फ में सिर्फ वर्ड और हिस्से नहव में जुमला यानी कि सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जिस तरह आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इससे बनता है आई ईट ए एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। उसी तरह इस फार्मूला से आप बनाए ना इंग्लिश का सेंटेंस, उसी तरह उर्दू में भी फार्मूला होता है कोई भी सेंटेंस यानी कि जुमला बनाने का। तो ये सेंटेंस के बारे में हम हिस्से नहव में पढ़ते हैं और हिस्से सर्फ में हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिस्से सर्फ में क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ के बारे में पढ़ा जाता है, तो लफ्ज़ का मैं डिफिनेशन लिख दी हूँ, ठीक है। इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ यानी कि वर्ड कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि किताब, कलम, ये मार्कर, बोर्ड, जो भी सारी चीज़ें हैं, हम अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या हो जाता है? वर्ड यानी कि लफ्ज़ कहलाता है। अब देखिए, लफ्ज़ के बारे में हम हिस्से सर्फ में पढ़ते हैं, इसीलिए लफ्ज़ को दो भागों में बांटा गया। लफ्ज़ के कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहला है लफ्ज़ मौजू और दूसरा है लफ्ज़ महमूल। लफ्ज़ मौजू वह लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, जैसे रोटी, पानी, कलम, वह लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, वैसा वर्ड जिसका कुछ मतलब हो। जैसे कि मैं रोटी बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे कि रोटी देना है, पानी बोलूँगी यानी कि पीने के लिए मांग रही हूँ, या फिर मैं बोलूँगी कलम तो लिखने के लिए, जिसका कोई मानी हो उसे क्या बोलते हैं? लफ्ज़ मौजू। और उसी का ठीक उल्टा होता है लफ्ज़ महमूल। लफ्ज़ महमूल का मतलब होता है, लफ्ज़ महमूल के अंतर्गत हम वैसे लफ्ज़ को रखते हैं जिसका कोई मानी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि पानी की जगह मैं वानी बोलूं, रोटी की जगह वोटी बोलूं, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसे लफ्ज़ महमूल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, ये लफ्ज़ मौजू में हम किस लफ्ज़ को रखते हैं? जिस लफ्ज़ का कुछ मानी हो, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लफ्ज़ मौजू को दो भागों में बांटा गया। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, पहला है कलमा और दूसरा है कलाम। अब यहाँ पर समझिए, कलमा अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। अकेला कोई भी लफ्ज़ हो जिसका कुछ मानी हो उसे क्या कहते हैं? कलमा। जैसे कि मस्जिद है, मस्जिद में हम लोग क्या करने जाते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करने जाते हैं, तो ये मस्जिद हो गया। मुंतज़िर, जिसका कुछ मानी है, मुंतज़िर का मतलब होता है इंतज़ार करना, वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी जिसका कुछ मानी हो लेकिन वो अकेला लफ्ज़ हो उसे कलमा कहते हैं। और कलाम दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ को, लफ्ज़ के मजमू को कलाम कहते हैं। यानी कि ये कलमा में हम एक लफ्ज़ के मानी को क्या कहते थे? कलमा। और जब दो से ज़्यादा लफ्ज़ होगा और उसका कुछ मानी होगा तो कलमा कलाम कहेंगे। जैसे कि नेक लड़का है, इसमें दो, देखिए नेक है एक लड़का, इस नेक का भी कुछ मानी है और लड़का का भी कुछ मतलब है। तो ये नेक लड़का है, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं ना, दो लफ्ज़, इसीलिए दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, कलमा को फिर तीन भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। घबराइएगा नहीं, ये बहुत आसान है। कलमा को तीन भागों में बांटा गया है, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है। इस्म, फेल और हर्फ, और इसको समझना बहुत आसान है। इस्म को आप जानते ही होंगे, बचपन से ही पढ़े होंगे, याद किए होंगे। इस्म को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। आप बचपन में याद किए होंगे, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी को हिंदी में, उसी को उर्दू में ला दीजिए, नाउन को ही बोलते हैं इस्म उर्दू में। आप अपने आँख से जो कोई भी चीज़ देखते हैं जिसका कुछ नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, ठीक है। अगला है फेल। फेल का मतलब, फेल को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और हिंदी में बात किया जाए तो क्रिया, ठीक। वर्ब, ये आप लोग भी बचपन से ही पढ़े होंगे। वर्ब मतलब, फेल मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। फेल का मतलब होता है जिससे काम का करना या होना जाहिर हो। अब काम तीन प्रकार से हो सकता है, एक काम जो कर दिया गया है पास्ट में, एक काम जो हो रहा है अभी प्रेजेंट में, और एक काम जो फ्यूचर में होगा। तो ये तीन प्रकार से काम होता है, और इंग्लिश में आप बोलते हैं पास्ट, फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और उर्दू में बोलते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। पास्ट को उर्दू में बोलते हैं माजी, और प्रेजेंट को बोलते हैं हाल, और फ्यूचर को बोलते हैं मुस्तकबिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फेल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? जैसे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। अगला है हर्फ। हर्फ यानी कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ना,
ये भी आप इंग्लिश ग्रामर में ज़रूर पढ़े होंगे, हर्फ जो है ये अकेले रहता है ना तो इसका कोई मानी नहीं होता, लेकिन दो लफ्ज़ों में जुड़ जाता है या दो जुमलों में जुड़ जाता है ना तो वो उस लफ्ज़ का, उस जुमला का पूरा कंप्लीट नॉलेज दे देता है, उसका कंप्लीट मानी दे देता है। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मे है, मे, ठीक है, तो मे का के की से ये सारी चीज़ें क्या है, हर्फ है। मे का एग्ज़ाम्पल लीजिए, वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, अगर इसमें क्या लगा है मे, अगर मे हटा दिया जाए तो वह मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाता है, अच्छा नहीं लगेगा, उसका बात कंप्लीट नहीं होगा। तो हर्फ वैसा वर्ड होता है, वैसा लफ्ज़ होता है जो किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में जाकर जुड़ जाए तो उसका मतलब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इस्म फेल और हर्फ समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें मैं इस्म के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी बताऊंगी आपको, इस्म की कितनी किस्में हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस्म की 6 किस्में हैं, कुछ लोग बोलते हैं 7 किस्में हैं, कुछ लोग बोलते हैं 3 किस्में हैं, इस सारी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फेल और हर्फ समझ में आ गया, इसका मैं डिफिनेशन लिख दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसका भी डिफिनेशन बता दूंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।